नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। वो बड़ा ऐलान किया है, आइए आपको हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपको ये बता दें कि आज चौथे चरण का मतदान जारी है 9 जिलों के 59 सीटों पर। अब उसमें से जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर। जी हाँ, लखीमपुर का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चला दी गई थी और उसके बाद कितना हंगामा हुआ हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज बाहर है, इसीलिए राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया। वो ये ऐलान किया है कि अब आज के बाद जो बाकी कुछ दिन है वो तमाम जगह पे वो दौरा करने वाले हैं। वाराणसी है, प्रयागराज है, इन तमाम जगहों पर वो जो है दौरा करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं राकेश टिकैत किसानों के साथ में। यानी यूं कहे कि बीजेपी के लिए चुनाव से पहले या चुनाव के बाद अगर अभी तक कोई सबसे बड़ा मुसीबत बना हुआ है तो वो आज भी किसानों का मुद्दा ही है, किसान नेता ही है। क्योंकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की किसानों को मनाए की, लेकिन जो जमीन पर किसान जुड़े हुए हैं वो वाकई में आज भी परेशान हैं। हम मुरादाबाद गए, हम शामली गए और मुजफ्फरनगर गए, वहां किसानों से हमने मुखातिब हुए, बातचीत की, आज भी वो किसान जो है गन्ने को लेकर नाराज चल रहे हैं। तो बीजेपी का चुनाव में, खास करके चुनाव को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि इतना कुछ होने के बाद क्या बीजेपी यूपी के किसानों का दिल जीत पाएंगे। क्या जीत लिया है? अगर जीत लिया है तो फिर आखिर आज भी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध जता क्यों रहे हैं? देखना यही होगा कि राकेश टिकैत के इस फैसले के बाद बीजेपी का कितना नुकसान होता है, क्या वाकई में यूपी में सरकार बदलती है। क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि जो खेल पश्चिम बंगाल में हुआ था वही खेला यूपी में भी होगा। अब होगा या नहीं होगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।